अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत के साथ होंगे। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। सीख कबाब बनाएंगे, वो भी बगैर अंगीठी के फ्राई पैन में बनाकर तैयार करेंगे। झटपट वाली रेसिपी, आप 10 से 15 मिनट में आसानी से इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सीख कबाब बनाने के लिए 15 से 20 अदद हरी मिर्च ले लूँगी और थोड़ा सा फ्रेश पुदीना। व्यूवर्स, बीफ का मैं कीमा ले लूँगी, ये आधा किलो कीमा है। उसके अंदर मैं 15 से 20 अदर जो आपको हरी मिर्च दिखाई थी पहले, उसका मैं पेस्ट बना लूँगी। वो पेस्ट शामिल करूँगी, एक दरमियाने साइज़ का प्याज कट करने के बाद वो शामिल कर लूँगी। एक चम्मच गरम मसाला शामिल करूँगी, एक चम्मच धनिया पाउडर। गरम मसाला मैंने साबित इसलिए शामिल किया है कि मैं इसको चॉप करूँगी तो आसानी से चॉप हो जाएगा। अब थोड़ा एक चुटकी बेकिंग सोडा और एक चम्मच नमक। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। थोड़ा सा मैंने इसमें फ्रेश पुदीना भी डाला है। तमाम अज्जा को कीमे के साथ अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसे किसी टॉपर में, कुंडी में या सिलबट्टा पर अच्छे से पीस लीजिएगा। ये देखिए मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद मैं इसमें एक चम्मच लहसुन का पेस्ट और दो चम्मच कॉर्नफ्लावर शामिल करूँगी। व्यूअर्स, कॉर्नफ्लावर इसलिए शामिल करूँगी कि कॉर्नफ्लावर जब शामिल कर लेंगे तो स्टिकी हो जाएगा आपस में, और जो सीख कबाब हम बनाएंगे वो बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। व्यूवर्स, इसमें मैंने हरी मिर्च इसलिए ज़्यादा शामिल किया है क्योंकि ये हरी मिर्च वाले सीख कबाब हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आप घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इस तरह से एक स्टिक लीजिएगा, चॉप स्टिक ले लीजिएगा और इस पर इस तरह से कॉइल पेपर अच्छे से लगा लीजिएगा। जो एक्स्ट्रा होगा ऊपर से आप इसे कट कर लीजिएगा। कॉइल पेपर मैंने इसलिए लगाया, जब हम सीख कबाब इस पर बनाएंगे तो हमें उतारने में आसानी रहेगी। अब तकरीबन एक मुट्ठी जितना मैंने कीमा ले लिया, इसको इस तरह से दबाकर हमने जो चॉप स्टिक पर कॉइल पेपर लगाया था इस तरह से उसके दरमियान में रखकर दोनों हाथों के हथेलियों के दरमियान दबा दबा कर इस तरह से अच्छे से इसको बंद कर लेंगे। व्यूवर्स, कॉइल पेपर मैंने इसलिए लगाया कि जब हम सीख कबाब पर से स्टिक को उतारेंगे तो देखें बिल्कुल आसानी से उतर गया, ना चिपका ना टूटे। अब एक पैन लेकर उसमें 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और उसे गर्म कर लेंगे। जैसे कुकिंग ऑयल गर्म हो जाएगा, हमने जो सीख कबाब बना कर रखे हैं उन्हें फ्राई करना शुरू करेंगे। व्यूवर्स, इन्हें मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई करूँगी, आप इस बात का ख्याल रखना है ताकि ये जले नहीं और अंदर तक अच्छे से पक जाएं। अगर आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो बाहर से पक जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे, तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। लो फ्लेम पर ही पकाइएगा, अंदर तक अच्छे से पककर तैयार हो जाएंगे। माशाल्लाह से व्यूवर्स, ये देखें कितने ज़बरदस्त सीख कबाब 15 से 20 मिनट में आप घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। व्यूवर्स, अगर आपकी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर लें।